आई नो टाइटंस की सीजन 4 को आए बहुत टाइम हो गया है और मुझे पता है मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ टाइटंस की सीजन 4 के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात यार सॉरी मैं वीडियो नहीं ला पा रहा टाइटंस की सीजन 4 के ऊपर, मुझे टाइम ही नहीं मिलता यार एपिसोड देखने का। पर तुम लोगों को इस हफ्ते के एंड में या फिर हफ्ते की स्टार्टिंग में वीडियो गारंटी देखने को मिल जाएगी और मैंने सोचा क्यों ना बग के 3 सीजन के ऊपर वीडियो ही बना दूं, क्योंकि इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू बना रखा है और अगर टाइटन सीरीज नहीं देखी तो चुपचाप ये वीडियो देख लो और इस वीडियो में फुल हैवी स्पॉइलर्स होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पे देखना। और चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले डिक ग्रेंसन के ऊपर जाते हैं और ये मेरी वीडियो डिमोनेटाइज होगी। क्यों? क्योंकि नाम में इतनी अश्लीलता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसके माँ बाप ने इसका नाम क्या सोच के रखा होगा डिक। स्कूल में इसके दोस्त इसका कितना मजाक उड़ाते होंगे। अबे ओ लड़े इधर, अबे ओ गुस्सा क्यों हो रहा है, तेरा ही तो नाम है। ओ सॉरी वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया था। हमारा डिक ग्रेंसन अकेले काम करता है, इसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि ये गली के गुंडों को कुत्तों की तरह मारता है और इसके पास रेचल नाम की लड़की का केस आता है कि इसकी माँ मर चुकी है और इसके पास कुछ अजीब सी पावर्स है, तो वो ये केस खुद अपने हाथों में ले लेता है और बम्बू अपनी मारे बंदे के पास बहुत गुस्सा है, लिटरली वो अगले को मार भी सकता है अगर अगला कुछ ज्यादा ही खिलाड़ी बनने की कोशिश करे। भाई मैं कह रहा हूँ हैंक को रेवन ने बचा लिया, वरना हो जाता उसका काम तमाम। चलो यार अगले 2 सीजन तक तो जिंदा रहा। फिर स्टारफायर आती है और रेचल अब उसके पास नहीं रहना चाहती है। साले तू मुझे छोड़ रहा था, कैसा डिटेक्टिव है तू। और ये एक चर्च में पहुंचती है अपनी माँ की तलाश में, लेकिन ये नन तो इवल नन निकली। फिर इसकी मुलाकात बीस्ट बॉय से होती है एंड भाई साहब मैं कह रहा हूँ बीस्ट बॉय का रूम हर लड़की का ड्रीम है, मतलब अनलिमिटेड फूड, बीस्ट गेमिंग सेटअप, जिंदगी भर के लिए खेलो और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। और पीसी या जिंदगी के लौड़े लगे पड़े हैं। अब रेचल यहाँ रहना चाहती है, यार इसका समझ नहीं आता है, हर 2 मिनट के बाद मूड चेंज होता रहता है इसका। बट स्टिल ये वापस उनके पास चली जाती है और बीस्ट बॉय भी चला जाता है। जा बेटे जी लिया अपनी जिंदगी वाला, मुझे अभी सीन याद आता है, लेकिन ये 3 इयर्स नहीं है। सो हाँ भाई जेली जिंदगी। जब ट्राइगोन आता है हमें लगता है कि सब खत्म, लेकिन नहीं, एडिटर्स के VFX करने में गांड फट रही थी इसीलिए इसे 2 मिनट का ही स्क्रीन टाइम मिला। और ओ हम अपने जेसन टॉड और वंडर गर्ल को तो भूल ही गए थे, जेसन टॉड जिसे डिक्की जल गई थी और वंडर गर्ल हाँ भाई वो तो बहुत औसम है। फिर इसके बाद सीजन 2 में डेस्ट्रोवा जाता है और भाई साहब जो मजा ये दिलाता है ना, कसम से भाई ये मेरा फेवरेट सीजन था पूरी सीरीज में। और स्लेट के साथ साथ हमें ब्रूस वेन भी देखने को मिलता है। हाँ ये ब्रूस वेन है, एल्फ्रेड नहीं है। साला मैंने सोचा था बेन एफ्लेक होगा या फिर क्रिस्टियन बेल होंगे, लेकिन ये कौन है, ये कहां से है। और हमें ये पता चलता है कि डिक ग्रेंसन बात बात पे गुस्सा क्यों होता था, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से उसके दुश्मन का बेटा मारा गया जो जिंदा था। और मैं कह रहा हूँ डेस्ट्रोक पूरी टीम टाइटंस को अच्छे से धो डालता अगर उसका बेटा और उसकी बेटी उससे ना लड़ते। तब हमें कॉर्नर भी तो दिखाया गया था जिसके 2 बाप है। साले तू। और डिक ग्रेंसन अपना नया अवतार लेके आता है, नाइट विंग और स्लेट को हरा देता है और सब कुछ थी होती है क्या इनको। क्या तुमने बीस्ट बॉय यार एक बार भी नहीं सोचा जब रेवन चली गई थी बिना गुड बाय कहे। नहीं सैड लाइफ मैन। और हमारे जेसन टॉड भैया का भी कट जाता है, वे सीजन 3 में ये विलन बनते हैं रेड हुड के नाम से, है को मार देता है और स्केयर क्रो आ जाता है और वंडर गर्ल वापस आती है, टीम ड्रेक रॉबिन बनता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओ ब्लैक फायर भी आती है, इसके बारे में जो सोचा वो 100%।
100% गलत था यार, ये बहुत ज्यादा काइंड नेचर किया यार। इसकी स्टोरी देखो तो यार आंसू निकल गए थे। और फिर एज यूजुअल एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। यार ये सीजन मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। और बाकी यही थी आज की वीडियो। में आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताना यार तुमको ये वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो किस पे देखना चाहोगे। सब्सक्राइब भी मार देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टीन ट्रेंड्स का गो मेरे लौड़े पे, गुड बाय।